सर्दी में गरीबों को कंबल बांट रही है भाईजी फाउंडेशन, ठंड की वजह से किसी की मौत न हो इसको सुनिश्चित करने के लिए निकलती है फाउंडेशन। आज भलसवा डेयरी में जरूरतमंदों के बीच जाकर कंबल बांटे। इस कड़ाके की ठंड में यदि किसी की गर्म कपड़ों से मदद की जाए तो उससे अच्छा सहारा उसके लिए कोई नहीं हो सकता। भाईजी नाम की संस्था ऐसे में लोगों की मदद कर रही है। दिल्ली के भलसवा डेयरी में भाईजी फाउंडेशन की तरफ से गरीब असहाय लोगों में कंबल और एक महीने के राशन की कीट का वितरण किया गया। भाईजी संस्था के संस्थापक मनोज शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हमारी संस्था को अभी 3 महीने ही हुए हैं और तकरीबन 100 लोग इस संस्था से जुड़ भी चुके हैं। हमारी संस्था की प्रमुखता विकलांग, विधवा, असहाय गरीब लोगों की हर संभव मदद करने की है और तकरीबन 3 महीने से संस्था लोगों की सेवा में लगी हुई है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि जैसे जैसे हमारी संस्था आगे बढ़ेगी हम पूरी दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों में भी लोगों की मदद करेंगे। मनोज जी, किस तरह का आज प्रोग्राम था उसके बारे में बताइए और कितने लोगों को आज यहाँ पे सहायता के रूप में कंबल बांटे गए? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये संस्था मैंने लगभग 3 महीने पहले शुरू करी थी। इस संस्था का उद्देश्य है कि जो भी हमारे आसपास गरीब बेसहारा ऐसे बच्चे जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, जिनके परिवार पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उन लोगों की हम मदद कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में करा गया। इसमें 150 कंबल और 20 राशन किट हम लोग दे रहे हैं। इसी तरह से हम लोग आगे भी, ये मेरी पूरी टीम है, ये सब सहयोग करते हैं और हम आगे भी इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम करते रहेंगे। मनोज जी, संस्था अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, कितने लोग जुड़ पाए हैं अभी, किन किन राज्यों पे फोकस करने का आप लोगों का विचार बन रहा है, सबसे ज्यादा फोकस किन राज्यों पे रहेगा और किस किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को, गरीब लोगों को मुहैया? अभी ये संस्था मेरी अभी 3 महीने पुरानी है। अभी जो पूरा फोकस है हम लोग दिल्ली पे कर रहे हैं, दिल्ली में और खासकर अपना जो बादली विधानसभा है इस पे फोकस कर रहे हैं। हमारे संस्था में लगभग 15 मेंबर एक्टिव मेंबर हैं, ये जो सब आप देख रहे हो ये सब लोग एक्टिव मेंबर हैं। और जो जो लाभार्थी हैं इसमें हर महीने हम 20 से 25 जो महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं या फिर जो बेसहारे हैं, गरीब बुजुर्ग हैं, उनका इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो उन लोगों को हम राशन दे रहे हैं। और हमारा टारगेट है पहले अपनी विधानसभा को कवर करें, इसके बाद पूरी दिल्ली में, और उसके बाद भी अगर आप लोगों की आशीर्वाद रहा सबका तो आगे पूरे दिल्ली के बाहर पूरे भारत में हम लोग करेंगे। इसमें हमारा जो सबसे पहला काम है वो राशन किट का है। इस राशन किट में 1 महीने का सफिशेंट राशन होता है, सारी चीजें होती हैं। इसके बाद हम जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको स्कूल की किताबें और स्कूल की फीस वगैरह का भी है। इसके बाद हमने सोचा जैसे जैसे हमारे पास हम लोग सक्षम होंगे उस हिसाब से कुछ मेडिकल सुविधा भी दी जाए, जो गरीब हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता, छोटे मोटे टेस्ट नहीं होते, उन लोगों के लिए हम सोच रहे हैं कि आगे भविष्य में ये काम भी शुरू करेंगे। मैं सतीश कुमार शर्मा A2 भलोसा से हूँ और भाईजी फाउंडेशन से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे मनोज जी संस्थापक हैं, उनके द्वारा हम सब लोगों को डॉक्टर वीर सिंह, डॉक्टर मित्रपाल सिंह, मुनीश जी, डॉक्टर हरिओम शर्मा और कुछ विशाल सार्थक जी, इन सब लोगों की हमारी एक कमेटी बनी है गरीबों के लिए, जो हमारे ये मनोज जी कहते हैं समय समय पर उसको हम गरीबों के लिए करते हैं। और हम लोगों ने अपनी संस्था है, हम किसी से बाहर से कोई पैसा नहीं है हमारे पास में, हम आपस में ही अपने करते हैं। सरकार की तरफ से कोई सहयोग आ रहा है? नहीं, 20 कंबल इन्होंने दिए, 10 मैंने दिए, 5 उन्होंने दिए, ऐसे करके हम लोगों ने 150 कंबल और 20 राशन किट बांटे जा रहे हैं गरीबों के लिए और शिक्षाओं पर काम कर रहे हैं हम लोग। कैसे सिलेक्शन कैसे होता है लोगों की, इनको ज्यादा जरूरत है, क्या टीम के मेंबर्स जाते हैं उनके पास, काउंसलिंग करते हैं, किस तरह से सारी सिस्टम होता है? हम 5 दिन से इसी में लगे हुए हैं, घर घर जाके, गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके उनको देखना, उनका कैसे मतलब घर का स्रोत कैसे चलता है राशन के लिए और उनको कैसे इसकी कंबल की जरूरत है। जरूरतमंद लोगों को ही लिए हम देते हैं, जो 60-70 साल के हैं, विकलांग हैं, विधवाएं बहनें हैं और अनेक तरह के जो मतलब किसी प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं। डॉक्टर वीर सिंह है, मैं यहाँ भलसवा A2 274-275 का रहने वाला हूँ और हमारी जो NGO है इसका सहायक मेंबर हूँ। हमने देखा कि हमारी बस्ती में बेसहारा गरीब लोगों के काफी परिवार हैं
और वो बेचारे उनके पास कोई इनकम का साधन नहीं है। तो दो तीन महीने पहले हम लोग आपस में बैठ करके, जिसके अध्यक्ष हमारे मनोज शर्मा जी हैं, विचार करा कि क्यों ना हम अपनी बस्ती के लिए, इन परिवारों के लिए कुछ करें। तो हमने एक अपनी संस्था बनाई। संस्था के माध्यम से हर महीने राशन, कपड़े, बच्चों के लिए कलम, पेंसिलें, जो भी जिसको उचित जरूरत होती है, हम लोग समय समय पर उनका सहयोग करते हैं। आज मकर संक्रांति के दिन हमने मीटिंग करी और हमने विचार किया कि आज भी कुछ गरीब और बेसहाराओं के लिए कम्बल के रूप में या राशन के रूप में कुछ दिया जाए। अच्छा दिन था, इस सोच करके सभी लोगों को कम्बल का वितरण कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमेशा आगे भी जितना भी हमसे अधिक से अधिक सहयोग हो, अपनी एनजीओ के माध्यम से लोगों के सुविधा